स्वागत है दोस्तों आपका मूवी सिलेक्टर में, और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी सूटकेस किलर को। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम एक बीच पर एक लड़की को देखते हैं जो कि बीच पर टहल रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़े एक सूटकेस पर जाती है। जब वह सूटकेस के पास आती है तो उसे बहुत बदबू आती है, और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसे वहाँ पर एक कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। और इसी के साथ कहानी 10 साल पीछे जाती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि वह हाथ किसका था और उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। अब उसके बाद हम एक मेलिनी नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और साथ ही वह नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही होती है। अब उसके साथ एक और लड़का ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है बिल। दरअसल बिल एक अय्याश लड़का है। अब वह मेलिनी से बाहर डिनर पर चलने को कहता है। हालांकि मेलिनी को ये बात पता है कि उसकी पहले से एक और बीवी है, लेकिन ये जानते हुए भी मेलिनी उसके साथ जाने को राजी हो जाती है। अब मेलिनी बिल के साथ एक कैसीनो में जाती है, जहाँ यहाँ पर ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा पैसा बिल जीत जाता है, और बिल को ऐसा लगता है कि मेलिनी उसके लिए लकी है, और बिल मेलिनी के प्यार में पड़ जाता है। अब धीरे धीरे मेलिनी भी बिल के क्लोज आने लगती है और उसे बिल से प्यार हो जाता है। अब वो इसके बारे में अपनी दोस्त को बताती है। मेलिनी की दोस्त उसे बताती है कि बिल बहुत अय्याश लड़का है और उसकी पहले से एक बीवी है, और वह हर लड़की के साथ ऐसे ही प्यार का नाटक करता है। लेकिन मेलिनी को उसकी बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि मेलिनी की आंख पर तो बिल के प्यार की पट्टी जो बन गई थी। वो कहती है कि बिल सुधर जाएगा और उसका प्यार उसे सुधार देगा। अब दोस्तों ऐसे ही समय गुजर जाता है और मेलिनी और बिल दोनों एक साथ एक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। अब एक रात एक औरत मेलिनी के घर आती है। वह औरत मेलिनी को बताती है कि वो बिल की पत्नी है, और बिल हर लड़की के साथ ऐसा ही खेल खेलता है और आखिरी में उसे छोड़ देता है। पर तभी वहाँ पर बिल आ जाता है और ये दोनों उस औरत को घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वे दोनों शादी करने वाले थे। अब दोस्तों कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ अब इन दोनों ने शादी कर ली है और इनके 2 बच्चे हैं। जहाँ मेलिनी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में नर्स बन चुकी थी, वहीं बिल एक टीचर बन चुका था। ये दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। मेलिनी जो कि अब एक नया घर लेना चाहती थी, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि बिल अभी भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। वो आज भी कैसीनो में जाता है और लड़कियों पर पैसा उड़ाता है, और आज भी उसने एक और लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। लेकिन बहुत ही जल्द मेलिनी को इस बात का पता चल जाता है कि वह उसे धोखा दे रहा है। उसे बिल के पास से एक लड़की का नंबर भी मिलता है, जिस पर उसका नाम भी लिखा होता है। अब अगले दिन मेलिनी के हॉस्पिटल में उसी नाम की लड़की आती है, जो नाम बिल के पास उसे मिला था। अब मेलिनी बातों बातों में उससे बिल के बारे में पूछ लेती है, जहाँ पर उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि ये लड़की बिल के साथ यूनिवर्सिटी में है। अब ये सुनकर तो मेलिनी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इतना समय हो गया है और अभी भी बिल उसे धोखा दे रहा है। अब एक रात वह बिल का पीछा करती है और वहाँ पर वो उस लड़की के साथ बिल को देख लेती है। अब रात में जब बिल घर पर आता है, तब भी मेलिनी उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे उसके बच्चों की परवाह होती है। वो अपने बच्चों की वजह से बिल को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि इसका सीधा असर उसके बच्चों पर होगा। अब मेलिनी बहुत टेंस हो जाती है और डिप्रेस हो जाती है, और वह सोचती है कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो वे भी कर सकती है, वे भी बिल को धोखा दे सकती है। और इसलिए वो उसके हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से दोस्ती कर लेती है, जिसके बारे में बिल को नहीं पता होता। इधर बिल की जुए की आदत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और अब वह जुआ खेलने के लिए चोरों से पैसे उधार लेने लगा था। वह इस उम्मीद में था कि वो आज नहीं तो कल ये पैसे वापस जीत लेगा, लेकिन वह और कर्ज में चला जाता है। अब तो बिल अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पाता, क्योंकि वे पैसे भी वह जुए में उड़ा देता है। बिल कई दिनों तक घर से गायब रहने लगा था। जब मेलिनी उसे कॉल करती थी तो वो उसका कॉल भी नहीं उठाता था। अब इन दोनों का रिश्ता लगभग टूटने की कगार पर ही था, लेकिन मेलिनी बिल से तलाक लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने बचपन में भी एक ऐसे हादसे से गुजर चुकी थी, जहां उसकी माँ बाप की तलाक के बाद उसकी माँ ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। लेकिन उस आदमी से उसे कभी वैसा प्यार नहीं मिला जो कि उसकी असली पिता उससे करते थे। इसलिए मेलिनी ये जानती थी कि वे अगर बिल को छोड़ भी देती है और दूसरे शख्स से शादी भी कर लेती है, तब भी उसके बच्चों को वो शख्स वैसा प्यार नहीं दे पाएगा। अब ऐसे ही 4 साल और गुजर जाते हैं। अब उनके घर बदलने का भी टाइम हो चुका था, लेकिन अभी भी बिल के पास कोई पैसा नहीं था, और वह आज भी जुए में अपने सारे पैसे उड़ा रहा था। अब एक रात मेलिनी उसी लड़की का मैसेज बिल के फोन पर देखती है, जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में है।
वो बिल को मिलने के लिए बुला रही थी। अब मेलिनी भी उसका पीछा करती है और जब बिल उस लड़की के साथ बाहर आता है और अपनी कार में बैठने ही वाला होता है कि उससे पहले मेलिनी उस कार को रोड के दूसरे साइड पर पार्क कर देती है क्योंकि उसकी दूसरी चाबी मेलिनी के पास होती है। अब रात में जब बिल घर आता है तो वह मेलिनी पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसको पता था कि कार की दूसरी चाबी मेलिनी के पास ही होती है और ये सब मेलिनी ने ही किया है। अब एक रात मेलिनी अपने हॉस्पिटल में जाती है और डॉक्टर के कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा लेती है और डॉक्टर की साइन को कॉपी करती है। दोस्तों अब मेलिनी ऐसा क्यों कर रही है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब एक रात मेलिनी बहुत सज धज कर बिल के पास जाती है इस उम्मीद के साथ कि उनके नए घर के मिलने की खुशी में बिल और वह अब एक साथ अच्छे से रहेंगे। और दोस्तों इसी के साथ कहानी फिर वहीं आती है जहां से ये फ्लैशबैक शुरू हुआ था, मतलब उसी बीच से जहां पर उस लड़की को उस सूटकेस में एक कटा हुआ हाथ मिला था। अब लड़की पुलिस को कॉल करके बुलाती है। पुलिस जब उस सूटकेस में देखती है तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि इससे पहले भी उनको कुछ ऐसे सूटकेस मिले हैं जहां पर उन्हें लोगों की कटी हुई लाशें सूटकेस में मिली थी। अब उनमें से एक सूटकेस में बिल का कटा हुआ सर मिलता है और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मेलिनी के पास जाती है क्योंकि अब अपने माँ बाप के पास रह रही है। मेलिनी जब ये सुनती है तो वो तो पागल ही हो जाती है, उसे बिल की मौत का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। नॉर्मल होकर मेलिनी पुलिस से बात करती है जहाँ पर वो पुलिस को बताती है एक रात उनका झगड़ा हुआ था जहाँ पर बिल ने उसे बहुत मारा था और उसके बाद वो अपने सूटकेस पैक करके घर से निकल गया था। उसे ऐसा लगा कि शायद बिल अपनी किसी गर्लफ्रेंड के घर गया होगा। उसने इस रिश्ते को बहुत चांस दिए लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और इसलिए वो बिल के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके बाद उसने अपना सामान उठाया और अपने पेरेंट्स के घर आ गई। वहीं हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मेलिनी उस डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि अब वह बिल के साथ और नहीं रह सकती। डॉक्टर ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि पहले मेलिनी ने उसे कहा था कि वो उसके बच्चों की खातिर उसे नहीं छोड़ सकती। वेल दोस्तों कहानी फिर प्रेजेंट में आती है और अब पुलिस इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब वो वापस मेलिनी से पूछताछ करती है और उसके घर की तलाशी भी लेती है जहां पुलिस को सेम वैसा ही सूटकेस मिलता है जैसा कि वो सूटकेस था जिसमें बिल की लाश मिली थी। पुलिस इसके बारे में मेलिनी से पूछती है। मेलिनी उन्हें बताती है कि ऐसे और सूटकेस उसके पास हैं और जब बिल घर से गया था तब वह ऐसे ही सूटकेस में अपना सामान पैक करके ले गया था। अब पुलिस को मेलिनी के खिलाफ एक और सबूत मिलता है जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में मेलिनी एक शॉप से गन खरीदते हुए दिखाई देती है और अब पुलिस मेलिनी के घर वापस आती है और छानबीन करती है जहां पर उन्हें वो गन नहीं मिलती। अब पुलिस मेलिनी से उस गन के बारे में पूछताछ करती है। मेलिनी बताती है कि हो सकता है वह गन बिल अपने साथ ले गया हो और ये भी पॉसिबल है कि उसी गन से किसी ने बिल को मार दिया हो। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि बिल की मौत के दो दिन पहले ही मेलिनी ने वो गन खरीदी थी। अब मेलिनी पुलिस को बताती है कि ये गन खरीदने के लिए बिल ने ही उसे कहा था। अब पुलिस को बिल की गुमशुदा कार भी मिल जाती है जिसमें पुलिस को बिल के खून के धब्बे मिलते हैं। मेलिनी पुलिस को बताती है कि हो सकता है किसी चोर ने बिल को मार दिया हो क्योंकि वो अक्सर चोरों से पैसे उधार लिया करता था, लेकिन पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं होता। पुलिस का मानना था कि ये काम किसी ऐसे शख्स का है जो बिल से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और उसके दिल में बिल के लिए इतना गुस्सा था कि उसने उसका खून ही कर दिया। बिल की बहन को भी ऐसा ही लगता है कि मेलिनी ने उसका खून किया है क्योंकि वह बिल से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और बिल की बहन पुलिस को ये जाकर सब कुछ बता देती है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। अब पुलिस को भी मेलिनी पर शक होने लगता है लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। अब पुलिस मेलिनी पर नजर रखने लगती है। अब पुलिस को एक और सबूत मिलता है और उन्हें ये पता चलता है कि बिल की मौत से पहले मेलिनी ने एक दवाई ऑर्डर करी थी और वे दवाई केवल डॉक्टर ही परचेज कर सकते हैं, इसलिए मेलिनी ने डॉक्टर की नकली साइन करी थी। इन सब सबूतों को मिलाकर पुलिस अपनी एक थ्योरी बनाती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस रात उन दोनों का कोई झगड़ा नहीं हुआ था बल्कि मेलिनी ने वो दवा बिल को इंजेक्ट कर दी थी जिससे कि वह बेहोश हो गया था और उसके बाद मेलिनी ने बिल की हत्या कर दी और बाथरूम में ले जाकर उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। अगली सुबह वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आई और उसी रात बिल की लाश के टुकड़े सूटकेस में भरकर उसे समंदर में फेंक आई और उसके बाद उसकी कार को कहीं छोड़ आई। लेकिन मेलिनी यहाँ पर एक गलती कर देती है, वो अपने जूते साफ करना भूल जाती है जिस पर बिल के खून के धब्बे लगे होते हैं और ऐसे ही खून के निशान बिल की गाड़ी में भी मिले थे। अब पुलिस मेलिनी को अरेस्ट कर लेती है और अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि मेलिनी एक सूटकेस किलर है। अब उसके बच्चों को भी उससे जुदा कर दिया जाता है। सब मेलिनी के खिलाफ होते हैं लेकिन उसके माता पिता उसे बेल दिलवा देते हैं क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिलते क्योंकि मेलिनी ने ये खेल बहुत शातिर दिमाग से खेला था। लेकिन पुलिस अभी भी मेलिनी के पीछे थी
और अब पुलिस ने और तगड़ी तैयारी कर मेलिनी के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर दिए थे। और ठीक 2 महीने बाद ये केस फिर से शुरू होता है और कुछ खास सबूतों के आधार पर मेलिनी को उम्र केस सुनाई जाती है। लेकिन फिर भी मेलिनी अपनी बात पर कायम रहती है कि उसने बिल का खून नहीं किया। लेकिन अब सजा सुना दी गई थी और दोस्तों अब मेलिनी को जेल जाना पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, कमेंट कर जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।